तो स्टॉक मार्केट तो हमने इतना इजी बना दिया, तो फंड मैनेजर इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बोलते हैं जी? मैक्रो देखो, वैल्यूएशंस देखो, रिलेटिव वैल्यूएशंस देखो, फेड देखो, आरबीआई देखो, इतना सिंपल है, फिर भी बेंचमार्क बीट नहीं कर पाते हैं। आई डोंट थिंक म्यूचुअल फंड्स के फंड मैनेजर इतने कॉम्प्लिकेट करते हैं, मे बी पीएमएस वाले करते हैं। एंड ऑब्वियसली जो ये महाकुंभ के तौर से दिस इज द मेन थिंग कि फंड मैनेजर्स के शायद इट मेक्स देम दे हैव टू फोकस ऑन दीज थिंग्स, बट इवेंचुअली रिटर्न तो सिंपल सी चीज है ना। 10% कंपाउंडेड ओवर 5 years गेट्स यू दिस मच, वही सिंपल चीज है। बाकी look at the fee that is charged for these people to do these complicated things, it is minuscule. Dhirendra bhai, the last word is always your word when it comes to mutual fund industry. Kavita mera hai manna hai. So before we wrap this segment, some last word from you. Bas kamaiye aur bachaiye aur mutual fund mein lagaiye, aamdani badhta jaye to badhate jaiye और लगे रहिए इसको 5, 10, 15, 20, 25 तो, और अपने पूरे काम करने वाले अवधि के लिए जो आपका वर्किंग ईयर्स है उसमें अगर आप नहीं लगाएंगे, मुझे लगता है लोगों को हमें केवल समझाना ही नहीं चाहिए, लोगों को हमें डराना भी चाहिए कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपके जीवित रहते आपका बचा हुआ पैसा खत्म हो जाएगा अगर वो इक्विटी में नहीं लगेगा। और ये लोगों को समझ में आएगा क्योंकि जो पिछला जनरेशन था उसकी तुलना में अभी और आपकी पूंजी अगर आपके जीवित रहते खत्म हो जाए तो ये सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज होगा आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में, अगर आपके डिग्निटी से रहने में। तो ये एक ऑप्शनल चीज नहीं है, ये आपके लिए मैंडेटरी चीज है और इसकी चिंता करना आपकी जिम्मेवारी है। और हमारे यहाँ हिस्टोरिकली ऐसा रहा है कि जब आपकी नौकरी शुरू हुई थी, जब आप दिल्ली में थे, तो जो आपका मैंडेटरी डिडक्शन होता था शुरुआत में, हमारे करियर की शुरुआत में पैसे बचते नहीं है और जो भी बचता है जो हमारा एम्प्लॉयर काटता है वो प्रोविडेंट फंड में चला जाता है। प्रोविडेंट फंड में चला जाता है तो वहां पे अमीर होने का एक्सपीरियंस हमें होता ही नहीं है क्योंकि सब्सटेंशियली वो फिक्स्ड इनकम में लगा रहता है। अब थोड़ा बहुत पैसा इक्विटी में लगना शुरू हुआ है तो लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि ज्यादा ज्यादा रफ्तार से पैसे कंपाउंडिंग होने का जादू है क्या और उससे आप अमीर कैसे हो पाते हैं और वो अमीर होना वो कैसे सस्टेनेबल है और वो अमीर। और चूंकि हमारे पास साधन की शुरुआत के 5, 10, 15, 20 साल में बहुत सारी जरूरतें होती हैं और पैसा नहीं होता है तो हम घात लगा के बैठे रहते हैं कि कुछ पैसा बढ़ जाए तो हम ये कर लेंगे, ये कुछ पैसा बढ़ जाए तो वो कर लेंगे। और उस वजह से ये जो बड़ा पूंजी का जो कंपाउंडिंग का जो जादू है जिसका जिसका सबको सब भारतीयों को फायदा उठाना चाहिए उससे वो वंचित रह जाते हैं और उनको लगता है कि चल ये भविष्य में कभी कर लेंगे। लेकिन ये समय बहुत मुश्किल समय आने वाला है क्योंकि हम ज्यादा दिन जीवित रहने वाले हैं और नौकरियां कम उतनी लंबी नहीं होने वाली हैं तो आपके बहुत साल तक बहुत समय तक ये पैसा ही आपको बढ़ा हुआ पैसा ही आपके काम आएगा। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।